कहते हैं ना जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य करने में उस दिन बड़ा, अभी सूर्य ग्रहण लग चुका है और इस टाइम पे सोते नहीं है। और आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण में आपके घर में क्या करते हैं? और हमारे यहाँ पे एक्चुअली सूर्य ग्रहण के दिन हम लोग इस समय पे कुछ बनाते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं और मंत्र जाप वगैरह रखते हैं, जैसे कि ये मैंने लगा के रखा हुआ है टीवी में, बट अभी मैंने बंद करके रखा है क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है इस वजह से। एंड मुझे बहुत ज़्यादा एक्चुअली नींद आ रही है, मैं इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है, एक तरह से इम्तिहान सा हो जा रहा है, क्योंकि गोवर्धन और सूर्य ग्रहण बहुत सालों के बाद हमारे भारत में आया है। पिछले बार जो था 3 महीने 4 महीने पहले जो अभी आया था ना, उस वो सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं था। इस बार तो आंशिक रूप से भी हमें हमारे मतलब दिखाई देगा हमारे भारत में। एंड देन इस टाइम पे मंत्र जाप करना और इसके बाद में पूरे घर की शुद्धिकरण करना और स्नान करना बहुत अच्छा रहता है। सूर्य ग्रहण एक्चुअली बुरा कभी नहीं होता है, उस टाइम पे अगर आप पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, ध्यान करें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा भी रहता है। तो सूर्य ग्रहण ही में सूर्य मेरे चेहरे पे आ रहा है तो सूर्य ग्रहण के दिन आप मंत्र जाप करें और उस टाइम पे बस कुछ खाए पिए नहीं, कुछ बनाए नहीं, और अगर कुछ आपके घर में चीज़ें रह जाती है तो आप उससे पहले से तुलसी के पत्ते वगैरह डाल के रख दीजिए तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, जैसे पानी हो गया, दूध या घर पर कुछ ऐसी चीज़ है जो हम फेंक नहीं सकते हैं। उसके बाद बढ़िया सा घर में पानी छिड़किए, पोछा झाड़ू करिए और नहा लीजिए, उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली हम बुरे चीज़ को भी मंत्र जाप और पूजा से अच्छा कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण और गोवर्धन पूजा जो कि बहुत वर्षों के बाद एक साथ पड़ा है तो ये दोनों को एंजॉय करिए। उस वजह से बहुत लोग ने पूजा भी नहीं करी है, गोवर्धन पूजा भी नहीं करी है ना बहुत लोग ने सूर्य ग्रहण के कारण। तो चलिए 6 बजे तक वेट करिए, उसके बाद में सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा एंड हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा सूर्य ग्रहण, हम एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए है।